हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल इजी यात्रा। दोस्तों, आज की वीडियो जो है उन सभी बच्चों के लिए और उन सभी लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है जो बेगमपुर विलेज जाना चाहते हैं। बेगमपुर विलेज यहाँ पे केवीएस में जो भी जिन बच्चों ने भी केवीएस के फॉर्म फिल करे थे उनके सेंटर इस स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अगर आपका भी सेंटर यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एड्रेस पूरा शो कर रखा है। अगर इस एड्रेस पे आपका सेंटर पड़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखनी है। देखिये, आप यहाँ पे दो तरीके से जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो ये मैं दिल्ली की GTC बस के रूट्स आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो आप कैसे इजीली यहाँ तक पहुँच सकते हैं, क्योंकि आपको कभी कभार क्या होता है, ये तो पता होता है कौन सी बस जाएगी लेकिन आपको कहाँ उतरना है ये आपको नहीं पता होता। और अगर आप मेट्रो से जा रहे हैं तो आप कैसे जा सकते हैं, यहाँ पे मैं दोनों चीजें डिस्कस करने वाली हूँ। तो आप देख लीजिएगा कि आपको कैसे जाना है। तो दोस्तों, अगर सबसे पहले हम बात करेंगे GTC बस के बारे में, तो ये सारे नंबर्स देख लीजिए, सारी बसें जो है वो बेगमपुर के बस स्टैंड तक जाती हैं। तो अगर आपके आसपास के एरियाज में से ये सारी बसें आ रही हैं तो आप यहाँ इन बसों में बैठ के जा सकते हैं बेगमपुर के बस स्टैंड तक। और आपको बेगमपुर के बस स्टैंड पर जाना है, बेगमपुर के बस स्टैंड पर उतरकर आप वहाँ से ई रिक्शा कर लेना इंद्रप्रस्थ के लिए। इंद्रप्रस्थ स्कूल जाने के लिए आप ई रिक्शा कर सकते हैं, नहीं तो आप वॉकिंग डिस्टेंस पे ही स्कूल है, आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे जाने में अगर आप पैदल जाते हैं तो, और आपका स्कूल जो है वो आ जाएगा। लेकिन अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप ई रिक्शा ही कर लें, क्योंकि जो स्कूल है वो काफी अंदर को जाके गलियों में है, विलेज टाइप का ही है वो, जैसे कि है बेगमपुर गांव। तो आप देख लीजिए कि आपको रिक्शा करना है या आपको पैदल जाना है। लेकिन अगर आप बेगमपुर के बस स्टैंड पर उतरते हैं तो ये आपको ज्यादा पास पड़ेगा। और अगर आप मेट्रो बाय मेट्रो जाना चाहते हैं तो आपको रिठाला के मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। और आप अगर रिठाला के मेट्रो स्टेशन पर उतरते हैं तो वहां से काफी दूर पड़ता है, पहले आपको बेगमपुर आना पड़ेगा, फिर बेगमपुर से इंद्रप्रस्थ जाएंगे। तो इसलिए जो रिक्शे वाले हैं वो आपसे 50 रुपये कम से कम किराया ले लेंगे। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ, अगर आपके मॉर्निंग शिफ्ट में फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो वो इससे भी ज्यादा ले सकते हैं। तो इनका किराया तो कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन अगर आप GTC बस से जा रहे हैं तो आपको पता है 10-15-20-25 रुपए ये किराया होता है GTC बस का। और अगर आप महिला कैंडिडेट हैं तो आपके लिए तो फ्री है। तो अगर मेरा जो सेकंड शिफ्ट में पेपर था और मैं बस से ही गई थी, मैं कुछ टाइम पहले घर से निकल गई थी और मैं बहुत आराम से पहुंच गई थी इजिली। जब मैं गई थी तो मैं बस से गई थी और बेगमपुर के बस स्टैंड पर उतरी थी और वहां से मैंने रिक्शा लिया था और मैं आराम से पहुंच गई थी। लेकिन जब मैं आई थी तो मैं बाय मेट्रो आई थी, क्योंकि बस की जो बस थी वो वहां पे काफी टाइम से आ नहीं रही थी और शाम भी काफी ज्यादा हो गई थी। तो फिर मैंने वहां से रिक्शा करा, मैंने बेगमपुर का जो बस स्टैंड है वहां से रिक्शा करा रिठाला मेट्रो स्टेशन के लिए। तो रिठाला मेट्रो स्टेशन के बाद फिर मैं वहां से घर पे आ गई मेट्रो से, क्योंकि टाइम ज्यादा हो रहा था। तो आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको इस टाइम काम करना है, आप देख लेना कि आपको मेट्रो से जाना है या फिर आपको बस से जाना है। और कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए हो सेंटर से रिलेटेड तो आप उसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो मैंने इसलिए बताई थी ताकि आप कभी कुछ बच्चों के जो एग्जाम है वो फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट में पढ़ रहे हैं तो, और वो काफी दूर दूर से एग्जाम देने आ रहे हैं तो उन्हें नहीं पता रहता कि कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कौन से बस स्टैंड पर उतरना है। मुझे भी काफी दिक्कत हुई थी क्योंकि मुझे भी नहीं पता था, जब तक हम जाते नहीं है तब तक हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए और सभी बच्चों को दिक्कत ना हो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर करें। जिनका भी जो भी जाना चाहते हैं बेगमपुर, उन सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफी यूजफुल रहने वाली है। मैंने ज्यादातर केवीएस के बच्चों को फोकस करके ये वीडियो बनाई थी। और GTC बसों के सभी रूटों की इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इजी यात्रा परिवार के साथ जुड़कर आप अपनी GTC के बस की यात्रा को आसान बना सकते हैं।